हेलो दोस्तों, तो हाजिर है फटाफट टेक के एक नए और कमाल एपिसोड के साथ। तो देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। मैं हूं अशोक और आप देख रहे हो छोटे टेक्निकल चार्जर। सबसे पहला अपडेट है दोस्तों, इंडिया के सबसे पहले 5G स्मार्टफोन को लेकर जो कि 24 फरवरी को होने वाला है लॉन्च, रियलमी X50 Pro। 50,000 के आसपास इसकी कीमत रह सकती है जिस तरह से अनुमान लगाया जा रहा है। अगला अपडेट निकल गया है तो सोनी ने एक्सपीरिया L4 स्मार्टफोन कर दिया है ऑफिशियली लॉन्च इंडिया में। अभी इसकी लॉन्चिंग और डेट बाकी है कब से मिलना शुरू होगा। वैसे कीमत की अगर बात करें तो 20,000 के आसपास रह सकती है। ट्रिपल रियर कैमरा है और वाटर ड्रॉप नोच के साथ में डिस्प्ले मिल रही है। अगला अपडेट निकल कर दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी A71 स्मार्टफोन को लेकर जो कि अभी हाल ही में लॉन्च हुआ था, उसका नया 5G वेरिएंट भी स्पॉट कर लिया गया है गीक बेंच में, जिसमें कि आपको मिलेगा एक्सोनोस का 980 चिपसेट, साथ में आपको एंड्रॉइड 10 बेस ये फोन होगा। 8GB की रैम मिल सकती है और 128GB की इंटरनल स्टोरेज। देखते हैं फोन को आगे चल के क्या क्या निकल के आता है फोन के बारे में। अगला अपडेट निकल के आ रहा है दोस्तों वाबी के दूसरे फोल्डेबल डिस्प्ले स्मार्टफोन मेट XS को लेकर 24 फरवरी को फोन होने वाला है ऑफिशियली लॉन्च, जिसमें मिलेगा आपको कीरी 990 चिपसेट, साथ में आपको 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी इस फोन में मिलने वाला है। अगला अपडेट निकल गया दोस्तों ओला कैब्स को लेके। बेंगलोर में ओला कैब ने अपनी ऐप में एक पुलिस इमरजेंसी बटन को ऐड किया है जो कि सेफ्टी को बढ़ावा देगा ओला कैब्स में। अगला अपडेट निकल गया दोस्तों कलर OS 7 का ट्रायल वर्जन ओप्पो के जितने भी फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन है इंडिया में उन सभी पर मिलना शुरू हो गया है। अगला अपडेट निकल गया सैमसंग गैलेक्सी जेड फ्लिप स्मार्टफोन को लेकर इंडिया में कर दिया है सैमसंग ने लॉन्च फोन। प्री बुकिंग भी स्टार्ट कर दी है। कीमत आपको 1,09,999 रुपए शुरुआत में देनी पड़ेगी। वैसे आपको बता दें इस फोन के अंदर स्नैपड्रैगन 855 प्लस चिपसेट मौजूद है। अगला अपडेट निकल कर दोस्तों इंटरनेट स्पीड को लेके, इंडिया को 128 रैंक मिली है मोबाइल ब्रॉडबैंड इंटरनेट स्पीड में, तो वहीं फिक्स्ड ब्रॉडबैंड स्पीड में 66 रैंक मिली है। इस हिसाब से तो इंडिया में मोबाइल स्पीड इंटरनेट की बहुत पीछे है। अगला अपडेट निकल कर शाओमी ने क्राउड फंडिंग का प्रोग्राम शुरू किया है इंडिया में अपने मी इलेक्ट्रिक टूथब्रश को लेके जो कि है T300। देखते हैं इंडिया में क्या रंग लेके आता है इसका ये प्रोग्राम। अगला अपडेट निकल गया दोस्तों LG का एंट्री लेवल स्मार्टफोन W10 अल्फा इंडिया में हो गया ऑफिशियली लॉन्च। 9,999 रुपए प्राइस है इस फोन की। साथ में आपको इसमें बता दूं कि 5.7 इंच का HD प्लस डिस्प्ले मिल रहा है, उसी के साथ 3,450 mAh की बैटरी भी इस फोन में मिल रही है। अगला अपडेट निकल गया सैमसंग गैलेक्सी A70 स्मार्टफोन पर एंड्रॉइड 10 का अपडेट मिलना शुरू हो गया है। इसके साथ में आपको मिलेगा One UI 2.0 का अपडेट भी। अगला अपडेट निकल कर रहा है दोस्तों टेक्नो के स्मार्टफोन्स को लेकर। काफी लंबे समय से टेक्नो का कोई भी स्मार्टफोन लॉन्च नहीं हुआ है। अब खबर आ रही है कि टेक्नो बहुत जल्द कैमोन 15 और कैमोन 15 प्रो को कर सकता है लॉन्च। इन दोनों ही स्मार्टफोन में मिलने वाला आपको क्वाड कैमरा, जिसमें कि प्राइमरी सेंसर आपको 48 मेगापिक्सल का मिल सकता है। और आज का लास्ट अपडेट निकल कर रहा है दोस्तों शाओमी के ही सब ब्रांड रेडमी के आने वाले 5G स्मार्टफोन K30 Pro 5G स्मार्टफोन के बारे में, जिसमें कि आपको 33 वाट की फास्ट चार्जिंग मिल सकती है। दोस्तों ये थे हमारे फटाफट टेक आज के एपिसोड के लिए। वीडियो कैसे लेकर मैं बता सकता हूँ, भूलिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इनवाइट कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और जाते हैं देख लीजिए चैनल सब्सक्राइब अगर अभी भी नहीं किया, घंटी का बटन जरूर दबा दिए ताकि आगे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक अपना ख्याल रखिए, जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।